मेरी हॉस्टल का वार्डन अपने परिवार के साथ हमारे साथ रहता था। एक रात उनका 6 वर्ष का बच्चा हल्के बुखार के साथ सो गया, लेकिन अगली सुबह उसकी मौत हो गई। उसके अंतिम संस्कार के बाद मैंने और मेरे रूममेट ने उनकी पालतू बिल्ली की देखभाल करने का फैसला किया। इसीलिए हम उनके घर गए और मेरे दोस्त ने उनके बेडरूम में देखने का फैसला किया। वो पर्दे के पीछे जा रही थी, तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पैर में कोई चीज टकरा रही है। उसने सोचा कि बिल्ली यही आसपास होगी और इसीलिए उसने उसका नाम पुकारना शुरू कर दिया। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके पैर पर जोरदार मारा हो। उसने चारों ओर देखा पर वहाँ पर कुछ भी नहीं था। आधे घंटे की खोजबीन करने के बाद हमने हार मान ली और कमरा बंद कर लिया। जब हमने वार्डन को बताया कि क्या हुआ था तो उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो घुटनों के बल बैठकर जोर जोर से रोने लगा और उसने बताया कि जब वो अपने बच्चे के साथ लुका छिपी खेलता था तो वो पर्दे के पीछे छुप जाता था और जब भी कोई उसके करीब जाता तो वो ऐसे ही उसके पैर पर जोर से मारता था। वैसे क्या आपको भूतिया कहानियाँ सुनने का शौक है तो मेरे दूसरे चैनल रैड हॉरर पॉडकास्ट को डिस्क्रिप्शन में जरूर चेकआउट कीजिएगा। ओके बाय।